हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताने वाली हूँ जो कि बहुत अपने घर के रखे ही कुछ सामानों से बन जाती है। तो और ये बहुत ही सस्ती, मतलब इस पे आपको बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करने हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि मैंने क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये इज़िली किसी भी घर में मिल जाती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और ये फेस पे बहुत ज़्यादा आपको फेस के कलर को वाइट करता है और आपके स्किन को टाइट करेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैंने कोकोनट ऑयल लिए हैं, क्योंकि विंटर भी शुरू हो चुके हैं तो ये विंटर के लिए बहुत ही स्पेशल है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, आप अगर चाहें तो यहाँ पे आप बादाम के तेल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कोकोनट ऑयल ही ले रही हूँ। मैंने वो भी रखा हुआ है, लेकिन कोकोनट ऑयल के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके स्किन के और हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और यहाँ मैं एलोवेरा ले रही हूँ, एलोवेरा मैंने पतंजलि का लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। एलोवेरा के गुण को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हर कोई जो भी है इस तरह की होम रेमेडी यूज़ करते हैं उन्हें ये पता है। और यहाँ पर मैं ग्लिसरीन ले रही हूँ, ग्लिसरीन जो है वो ठंडे के लिए आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप विंटर में कुछ यूज कर रहे हैं तो इसमें ग्लिसरीन आपके चेहरे के रंग को बहुत साफ़ करती है। और यहाँ पे मैंने लिया है गुलाब जल, रोज़ वाटर, तो ये भी मैंने ले लिया है। और अब हमें इन सबको मिक्स करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेमेडी मैं बता रही हूँ ये हर ऑल टाइप स्किन के लिए है, ये किसी भी एक स्किन के लिए नहीं है, ऑल टाइप के लिए हैं। क्योंकि ऑयल मैंने जो कोकोनट ऑयल लिए हैं वो ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोकोनट ऑयल से कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसके जगह पे आप थोड़ी सी दूध ले सकते हैं या फिर शहद डाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, ये जो मैं बता रही हूँ, ये जो रेमेडी मैं बता रही हूँ, इसे आप रेडी करके और आप एक डब्बे में बंद, कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने नींबू ले लिया है, नींबू भी आपको पता ही है कि ये आपके स्किन के कलर को भी साफ़ करता है और जो दाग धब्बे होते हैं उन दाग धब्बों को भी हटाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीनी ली है, चीनी यहाँ पे हमें घुला लेनी है, अच्छे से इसे मिक्स कर लेनी है। और चीनी जो होती है वो हमारे स्किन के जो डेड सेल होते हैं उन्हें भी हटाती हैं, क्योंकि वो उन्हें जब आप अपने फेस पे हल्के हाथों से रब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्किन के जो डेड सेल होंगे वो भी साफ़ हो जाते हैं और स्किन आपके जो फेस है इस पे एक अलग ही शाइनिंग आती है, चमक आ जाती है। तो इसे मैं आपको अपने हैंड पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगी और अपने फेस पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो ये डल स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छी है ये, आप इसे कोई भी स्किन टाइप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे पहले अपने हैंड पे करके दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने हैंड पे डाला है और हमें इसे हल्के हल्के हाथों से रब करना है। आपको अगर चीनी से ये उसके दाने अगर आपके स्किन पे रैसेज ला रहे हों तो आप फिर उसकी चीनी को घुलने दें, फिर आप इसे रेमेडी को रेडी करके आप 10 से 15 मिनट के लिए कहीं पे रख दें। और जब ये घुल जाए, इसकी चीनी जब एकदम मेल्ट हो जाए तो आप उसको यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पे स्क्रबर की तरह ही इसे यूज कर रही हूँ और इसे आप अच्छे से आपको अपने फेस पे और अपने हैंड पे, अपने पूरी बॉडी पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, फिर मैं इसे अपने फेस पे भी अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। और ठंडे के दिन में तो ऐसे ही धूल गर्दे की वजह से परेशान हो जाते हैं और जो ठंडे का जो मौसम होता है इस वजह से अपनी स्किन भी सूखी रूखी सूखी हो जाती है। तो जो आपकी जो जो भी स्किन जो सूखी हो जाती है, उसके जो भी डेड सेल होते हैं, चाहे हैंड के हो या फेस के हो या पूरी बॉडी के हो, उसे आप इसे यूज़ करके बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से आप इसे यूज़ कर ले और जो हम हल्के गुनगुने पानी से हमें इसमें टॉवेल वगैरह आप ये करके निचोड़ के आप हैंड को या फेस को या पूरी बॉडी को आप साफ़ कर लें, या फिर आप नहाने से पहले अगर कर रहे हो तो फिर आप इस रेमेडी को यूज़ करके आप बाथ ले लें। तो ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें हमने कोकोनट ऑयल डाला है, एलोवेरा जेल डाला है और रोज़ वाटर लिया है हमने, तो ये सब ग्लिसरीन ली है। ग्लिसरीन तो स्पेशली ठंडे के लिए होती है, तो ठंडे में स्किन को इससे सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है, जो स्किन के जो डेड सेल हटाने में हो या फिर उसके आपकी स्किन की शाइनिंग ख़त्म हुई हो तो इसके लिए है। तो यहाँ मैं फेस पे भी इसे अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ और आपको इसके हल्के हाथों से ही अपने पूरे फेस पे मसाज करना है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको हार्ड हैंड नहीं चलाने हैं अपने फेस पे। और अगर आप मसाज के कुछ टिप्स जानते हो मसाज करने के फेस पे,
तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने हाथों को अपने फेस पे आप अप्लाई करें, जिससे कि आपकी एक अच्छी मसाज भी हो जाएगी और फेस भी आपकी एकदम खिली खिली रहेगी। तो इससे मैं जिस तरह से यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं इसे हल्के हल्के हाथों से ही यूज कर रही हूँ। अगर चीनी से आपके फेस पे रेसेज आ रही हो तो आप फिर आप चीनी को घुला लें, या नहीं तो फिर आप चीनी के जो इसके पार्टिकल्स हैं उसे आप अपने हाथों पे ले करके और अपने फेस पे थोड़ी थोड़ी अप्लाई करें और धीरे धीरे थोड़ी सी मसाज करें, जिससे कि आपके डेड सेल्स जो होते हैं आपके स्किन के उसे निकलने में आसानी होती है, जल्दी से निकल जाती है। वैसे अगर आप उससे अच्छे से मेल्ट करने के बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी उसके बाद आप हल्के कुनकुने पानी से फेस को धो लें, तो उसके बाद आप देखिए कि धीरे धीरे जब आप 1 वीक आप इसे यूज करेंगे तो आपके फेस बहुत ही अच्छे और ग्लोइंग दिखेंगे। ये कलर को तो साफ करता ही है, क्योंकि इसमें नींबू है तो ये कलर को साफ करता है। ग्लिसरीन है वो भी आपके चेहरे के कलर को साफ करता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी फेस जो थी वो थोड़ी सी डल लग रही थी, स्किन जो थी, चूँकि मैंने इधर कुछ ज़्यादा फेस पे अप्लाई किया नहीं था। तो अभी देखिए कि मेरे फेस पे एक अलग से ग्लोइंग आ गई है, एक चमक आ गई है। तो ये जो है, ये आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे बंद करके रख लें और इसे आप लेकिन फ्रिज में रखें, इसे आप बाहर नहीं रखें, फ्रिज में रखें और इस तरह के किसी भी कंटेनर में आप डाल लें डब्बे में, तो जो भी खाली डब्बे हो उसमें रख के आप इसे फ्रिज में रख लें और इसे आप रोज़ स्नान करने से पहले आप यूज़ कर लें, या जिस समय आपको समय मिले आप करें। ये एलोवेरा जेल आपके फेस पे जो भी आपके दाग धब्बे होंगे उसे दूर करते हैं। गुलाब जल जो है ये भी आपके चेहरे पे ताजगी लाती है, और ग्लिसरीन तो है ही, ये विंटर के लिए तो बहुत ही स्पेशल है। ये कोकोनट ऑयल आपके चेहरे में को मॉइस्चराइजर का काम करता है और चेहरे के रंग कलर को भी साफ करता है। सो फ्रेंड, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।